मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने वाला हूँ, तो आपका गाना गाने का विचार है आज? Well, I will sing one or two songs for you since you are insisting, but क्योंकि अगर आप गाओगे तो हमारी इंडिया की पब्लिक भी सुनेगी आपको गाते हुए अमेरिका में। Okay, I will try to sing one or two songs. Thank you. All right, go ahead. तो इधर देखो सब इंडिया के चिवड़े हैं, बिस्किट्स, ये पार्ले का रस्क, इसका प्राइस देखो 99 सेंट्स। तो पानी पूरी की पूरियाँ इधर की प्राइस है $4.29। तो यूजली मैं अपना सब खाने पीने का वेजिटेबल्स भी इधर से ही लेता हूँ। तो जैसे आप देखोगे मैंने थोड़ी चीज़ें ऑलरेडी पिक कर ली है, मैं आपको इंद्रजीत को दिखाता हूँ। मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। सुपर इंद्रजीत, टू गुड। तो यूजली ये पार्ले मिलता है 5 या 6 फॉर $1 का। तो इधर देखो लड्डू भी है, रोटी भी इधर रेडीमेड मिलती है। एक लेडी है वो रोटी बना के इधर लेके आती है और ये लोग इधर बेचते हैं। तो मैं पर्सनली ये भी बहुत लेता हूँ। ये केक रस्क है, तो इसका प्राइस है 399 प्राइस है। कुछ कहे भी तो क्या, मगर तू न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे गाइस। ये नंबर 1 रिक्वेस्ट थी सब लोग की कि ग्रोसरी स्टोर की वीडियो निकालने के लिए, तो आज मुझे मस्त मौका मिला, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैं पर्सनली ये वाला राइस प्रेफर करता हूँ। ये है रॉयल शेफ सीक्रेट बासमती राइस। तो यूजली ये राइस थोड़ा महंगा होता है पर लेकिन खाने में टू गुड होता है। तो काफ़ी जन फॉर सम रीज़न मैगी के लिए पूछते हैं, तो मैं मैगी का प्राइस देखता हूँ इधर, तो आपको आइडिया आएगी। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट्स द प्राइस ऑफ मैगी इन अमेरिका, सो हाउ मच इज़ मैगी इन अमेरिका? But there are 2-3 flavors. The regular price, probably this small Maggi you have in your hand is 69 cents, but there is a veggie atta that's 99 cents each. Okay, तो ये रेगुलर वाली मैगी है 69 सेंट्स की, तो अगर आप वेजी आटा वाला लोगे तो वो है 99 सेंट्स। तो ये देखो बोनवीटा की प्राइस है इधर $8.99 पर ये बड़ा वाला डब्बा। इधर फ्रोज़न खाना काफ़ी जन लेते हैं, जैसे हम लोग के भी अगर कभी घर पे खाना नहीं बनेगा या टाइम नहीं होता है तो हम लोग इधर से आके फ्रोज़न डब्बे लेके आते हैं और वो माइक्रोवेव में कुक करके फास्ट मिल जाता है खाने के लिए। तो इधर रेडीमेड डोसे के भी पैकेट्स मिलते हैं हल्दीराम उडप्पी। तो ये देखो, तो उडपी का वड़ा भी है, $1.99 का पैकेट है, इसमें यूजली 4 आते हैं। तो ये देखो इधर समोसे का भी पैकेट है, तो रेडीमेड समोसे हैं, इसको सीधा घर पे आके फ्राई कर सकते हो। इसकी प्राइस है $2.99। तो देखो चाय और कॉफ़ी के भी सब फ्लेवर है इधर, जो हम लोग को इंडिया में मिलता है वो सब सेम चीज़ें इधर मिलती है। कौन सी एक कॉमन वाली चाय उठाता हूँ तो आप लोग को आइडिया आएगी। तो जैसे रेड लेबल, तो ये है रेड लेबल का डब्बा, इसमें 100 टी बैग्स और इसकी प्राइस है $4.99 की 100 टी बैग्स। तो गाइस एक और कॉमन चीज़ जो काफ़ी जन इधर लेते हैं वो है रोटियाँ। ये रोटी के पैकेट्स है, इसमें व्हीट की भी आती है और रेडीमेड होती है। इसको आप सीधा जाके अपने तवे पे 1 मिनट गर्म कर सकते हो और सीधा खाना खाने के लिए रेडी हो जाता है। एक और चीज़ है, जब ये मैं अकेला रहता था और रूममेट में रहता था तो हम लोग ये खाते थे, ये है रेडीमेड नान। इसको भी 2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करो या तवे पे, काम चल जाता था। तो एक और चीज़ है जो इधर बहुत इंडियन लोग प्रेफर करते हैं वो है ये है मैंगो फ्लेवर। हम लोग इंडियन लोग को मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है, तो ये आइटम इधर ऐसे बिकती है। तो गाइस एक और बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, वो है ये सीधा इंडिया की थम्स अप और लिम्का हम लोग को इधर मिलती है बॉटल में, सीधा वहाँ से जो आती है। तो इधर अमूल बटर भी है, अमूल बटर का प्राइस है इधर $8.99। तो पर्सनली आज मैं लेने वाला हूँ इडली का आटा, क्योंकि हम लोग का प्लान है संडे को इडली सांभर खाने का। तो इधर ये रेडीमेड बना हुआ है, इसको सीधा जाके हम लोग, मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, पर एकदम फास्ट बन जाता है इससे। तो गाइस शूटिंग के चक्कर में मेरी कार्ड बढ़ते जा रही। तो इधर इंडियन फ्लेवर की भी आइसक्रीम मिलती है, मैं आपको दिखा दूँ। एक है ये देखो केसर पिस्ता, फिर है फलूदा कुल्फ़ी, फिर मिठाई भी मिलती है, जैसे ये है बर्फ़ी, ये मेरे को श्योर नहीं क्या है, ये बेसन का लड्डू, रेगुलर लड्डू। तो देखो इधर छोटी से छोटी चीज़ मिलती है, जैसे डाबर रोज़ वाटर। काफ़ी चीज़ें हैं ना जो आपको एक सर्टेन इंडिया के सिटी में मिलना मुश्किल हो जाएगी, पर आपको अमेरिका में मिलेगी। ये पूरा जो स्टॉक है वो बासमती राइस का स्टॉक है, इधर भी भर के पड़ा हुआ है। ये स्टोर काफ़ी बिजी है क्योंकि इसका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है। तो ये देखो ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी है हल्दीराम का। तो ये देखो ये वाली है $12.99। एक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम को देखा तो ये ख्याल आया। सुपर, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक्स थैंक्स। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। गाइस मैं पर्सनली देखो ये लेता हूँ, जब भी आता हूँ विदाउट फेल ये बेलपुरी, सुपर टेस्ट होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग खुद का थोड़ा मसाला डालते हैं तो उससे फिर हम लोग को इंडिया की भेल इतनी मिस नहीं होती। एक और चीज़ दिखाता हूँ वो है ये मेरा फेवरेट है कराची बिस्किट। मेरे को श्योर नहीं है आप लोग को, काफ़ी लोगों को मालूम है कि नहीं, पर ये हैदराबाद का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, मेरा फेवरेट बिस्किट है। तो गाइस मेरा अभी इधर शॉपिंग कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को जो जो इंडियन स्टोर के बारे में देखना था आप सब लोग की इच्छा पूरी हो गई। तो आप लोग सब लोग अभी इंदरजीत को बाय बोल सकते हो। बाय इंदरजीत, थैंक्स। आई सी यू सम अदर टाइम। यस। तो मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हो इधर काफ़ी इंडियन दुकानें हैं, जैसे आयशिया सलोन, फिर पीछे एक क्लिनिक है IBN सिन्हा करके, वो भी हम लोग इंडियन और पाकिस्तानियों ने मिलके इधर कम्युनिटी के लिए खोला है। खाली इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नहीं है, कोई भी आ सकता है, पर इसके ओवरऑल प्राइसेस काफ़ी सस्ते हैं। तो इधर एशियन ग्रोसर्स और उधर रेस्टोरेंट है शालीमार रेस्टोरेंट। तो हम लोग इधर से काफ़ी टाइम नान पिक करते, नान, दही वड़ा, समोसा सब मिलता है इधर।